गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं राहुल गोडियाल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वेलकम टू द क्लास ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरआरबी जेई मटेरियल साइंस। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए, वी विल गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस। सिविल का क्लास बच्चों, सर ने लेक्चर्स आजकल लाइव नहीं आ पा रहे हैं सर, थोड़ी तबीयत की वजह से। सिविल की बात कर रहा हूँ, सिविल के सर आजकल लाइव नहीं आ पा रहे हैं अपनी तबीयत की वजह से, लेकिन लेक्चर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो उन्होंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, वो थोड़ी देर में ही सिविल वाले बच्चों को वो लेक्चर मिल जाएगा। क्लियर? तो लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल डे बाय डे डेली मिलेगा। बस ये है कि तबीयत खराब है तो वो लाइव लेक्चर नहीं ले सकते, तो जहाँ पे उनको समय लगता है वो अपना लेक्चर बना दिया है उन्होंने, तो आपको लेक्चर रूटीनली थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो चलिए सभी बच्चे लाइव फटाफट आ जाएं, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद इन अ मिनट। चलिए बच्चों, आज सफाई का काम पहले हो गया, तो आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग आ ही चुके हैं, तो मैं भी लेक्चर को ऑन कर लेता हूं। चलिए, देखिए बच्चों, मैं जल्दी से कमिटमेंट करता नहीं, और जब कमिटमेंट मैं किसी चीज़ का कर देता हूँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे कमिटमेंट कर दिया है कि आरआरबी जेई का टेक्निकल का मैकेनिकल का सिलेबस मैं 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना? ये मार्च से पहले, मार्च तक मतलब समझ लीजिए, आपका मैं टेक्निकल का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? आज इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास भी नहीं चली है, सर आज प्रेजेंट नहीं है, तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आज नहीं हुई है, कल होगी। क्लियर है? तो इसलिए बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए आप लोग कि सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल का सिलेबस कंप्लीट आरआरबी जेई का जो भी आएगा विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा विद इन मार्च, मार्च तक आपको कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है? तो उस चीज़ का बिल्कुल आप टेंशन ना लें, ठीक है? उस चीज़ में कमिटमेंट है, चाहे कुछ रहे ना रहे, वो सिलेबस आपका पूरा प्रॉपर मिल जाएगा, ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स। चलिए, तो सभी बच्चे मैक्सिमम लाइव आ चुके हैं, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल हम लोगों ने बात की थी अवॉइस की, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, काफ़ी उसमें से इंपॉर्टेंट सेशन रहा होगा मैक्सिमम लोगों का, ठीक है ना? मैं क्लियर है वॉइस वगैरह वीडियो, ये आज पूछा नहीं मैंने आपसे, ओके है सब, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है? तो यहाँ पे मैं यही कह रहा था कि कल हमने बात की थी फेरस एलॉयज की, जहाँ पे हमने कास्ट आयरन और स्टील के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप देखे थे। लेकिन वहीं अगर एलॉयज की बात करें तो बहुत बार आपके पास क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं नॉन फेरस एलॉयज को लेके, तो बहुत अच्छे से आपको नॉन फेरस एलॉयज को भी पढ़ना है, फुल डिटेल उसमें भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलॉयज हैं नॉन फेरस जो पेपर में काफ़ी फेमस हैं, जिनके मैं कल नाम भी ले रहा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों उन्हीं नॉन फेरस एलॉयज से, और वो खास इंपॉर्टेंट एलॉयज जो अपने नाम से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं उनको मैं साथ साथ आपको लिखा दूंगा, तो आप सभी उनको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नॉन फेरस एलॉयज की, नॉन फेरस एलॉयज की, जिसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके पास जैसे कॉपर, ठीक है ना, टिन या निकिल कह सकते हैं, कॉपर, टिन, निकिल, एल्युमिनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनके ऊपर आपको एलॉयज पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आज इन्हीं सब को हम लेके चलेंगे और साथ साथ उन नाम को भी जानेंगे जिन नाम से स्पेशली कुछ अलॉयज रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तो उनको भी क्या बोलते हैं, क्या नहीं, या किसका अलॉय होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपको कंफर्म देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना डिले के, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं बिना डिले के, दैट इज हमारा कॉपर एलॉय से।
कॉपर एलॉय। देखिए कॉपर एलॉय हमारे पास क्या है, या कॉपर की बात करें तो अगर मैं सिर्फ पहले कॉपर की बात करूं तो कॉपर आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट मेटल है हमारे लिए। इट इज अ हाईली मैलेबल मेटल, है ना, इट इज हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा वो आप लिखते रहे, इट इज हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल, कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब जंग लगने का खतरा कॉपर में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हमारे पास ये वार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, तो कैन बी इजिली रोल्ड और फॉर्ज, ठीक है ना, रोलिंग या फॉर्जिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब रोलिंग करने में, रोलिंग करके इसके कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और फॉर्जिंग करके भी इसके कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ड्रॉन करके भी काफी वायर्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो ड्रॉइंग बोले, रोलिंग बोले या फॉर्जिंग बोले, हम लोग इसमें इजिली ये कॉपर का यूज करते हैं। समझ आए बच्चों बात, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो आपको सभी को पता है वायर्स में यूज होता है, क्यों, बिकॉज इट इज अ हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड साथ साथ बोलें तो थर्मल कंडक्टिविटी भी, थर्मल कंडक्टिविटी, तो हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इट हैज। समझ आ रही बात, क्लियर है, ठीक। तो ये तो रही बेसिक सी कॉपर की बात, जिसको हम सी यू लिखते हैं सिंबल इसका। अब बात करते हैं इसके एलॉयज से रिलेटेड, तो इसके एलॉयज में हम लोगों के पास क्या आता है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एलॉय जो इसका आता है वो आता है ब्रास। ब्रास इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलॉय ऑफ कॉपर। वो किस वे में, कि कॉपर जब हम लोग जिंक के साथ फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, कॉपर को जब हम जिंक के साथ फॉर्म करते हैं तो मिलता है हमें ब्रास। तो उसकी भी कई सारी टाइप्स हैं, उन टाइप्स के ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम फर्स्ट बोले, अगर मैं, अब यहां पे परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर मैं 70% कॉपर, ठीक है, 70% कॉपर एंड 30% जिंक यूज करता हूं, 70% ऑफ कॉपर, याद रखिएगा, कोई भी एलॉय में, एलॉय का सिंपल सा डेफिनेशन भी क्या है कि कोई भी मेन मेटल, ठीक है, जो इनमें से कोई भी एक मेटल होना चाहिए, तो कोई भी मेन मेटल में अगर हम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो वो एक एलॉय है। तो मेन मेटल का, हम किसी का भी एलॉय तभी बोलेंगे उसे जब वो मेन मेटल का परसेंटेज हाई होगा, ठीक है, तो मेन मेटल का परसेंटेज ऑलवेज हाई होना चाहिए, तो 70% कॉपर एंड 30% जिंक। समझ आई बात, तो यहां पे 70% कॉपर 30% जिंक को दैट इज कॉल्ड ब्रास। अब ये ब्रास का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसको स्पेशली क्या बोलते हैं, इसको स्पेशली बोलते हैं कार्ट्रिज ब्रास, इसको कार्ट्रिज ब्रास बोलते हैं, एक्चुअल नेम जो इसका है 70% कॉपर एंड 30% जिंक वाले को कार्ट्रिज ब्रास बोला जाता है। समझ आई बच्चों बात, क्लियर है ना, जिसको काफी ज्यादा हम यूज करते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स में, जैसे ऑटोमोटिव रेडिएटर्स ट्यूब्स, शीट्स, इनमें जो है इनको बनाने में इस कार्ट्रिज ब्रास का यूज होता है, ठीक है ना बच्चों। सिविल वगैरह की बात मैंने आपको बता दी है इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, अब बाकी सारी बातें जो है वो बाद में करेंगे लेक्चर के एंड में, ठीक है, समझ आई बात, क्लियर है। तो याद रखिए बच्चों, ये कॉमन सा एग्जांपल है जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है ये, और अगर बोले तो इस तरह का कार्ट्रिज ब्रास हमारी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की जाती है इसके ऊपर, कोल्ड वर्किंग हमने आपको बताया था जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो की जाती है, तो वो कोल्ड वर्किंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड कार्ट्रिज ब्रास, याद रखिएगा 70% कॉपर 30% जिंक। लेकिन अगर मैं इसका परसेंटेज चेंज कर दूं, ठीक है, तो मैं हटा देता हूं यहां से, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसका परसेंटेज यहां पे चेंज करूं
तो क्या फर्क आएगा, जैसे 70-30 की जगह पे मैं यूज करता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं मैं इसे, कि अगर मैं 60% कॉपर एंड 40% जिंक यूज करता हूं, ठीक है, 70-30 की जगह पे मैं 60-40 का रेशियो बना लेता हूं, तो याद रखिएगा दैट ब्रास इज कॉल्ड, इस तरह के ब्रास को हम लोग बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड येलो ब्रास, दैट इज कॉल्ड येलो ब्रास। अब आपने बहुत जगह इसका एक दूसरा नाम सुना होगा जो पेपर में बहुत बार आता है, इसको याद रखिएगा, मैं चाहे तो इसे हाईलाइट कर देता हूं अलग कलर से, इसको याद रखिएगा। अभी इतना जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हो, इनवर वगैरह भी सब बताऊंगा, अभी शुरू तो हुई है क्लास, अब 5 मिनट में सब चीजें कैसे हो जाएंगी, तो वेट करो, ठंड रखो आराम से, लेक्चर के एंड में जब बच जाएगा ना, वो लेक्चर के एंड में फिर कमेंट करिएगा कि ये रह गया या वो रह गया ना, या ये भी बता दीजिए, तो तब उसको देखेंगे बाद में, अभी तो शुरुआत खत्म तो नहीं, तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी लेक्चर अभी चल रहा है, अभी तो है बताने को सब कुछ। तो याद रखिएगा दिस येलो ब्रास कॉपर 60%, और हमने इसको इस नाम से भी जानते बच्चों, दैट इज कॉल्ड मून्स मेटल। तो आपको पेपर में बहुत बार आएगा कि मून्स मेटल किसका एलॉय है, दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन पेन से या डार्क से लिखूं, बहुत हल्का हो रहा है ना, चलिए मैं ब्लू से लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड मून्स मेटल। तो आपको पेपर में बहुत बार पूछेगा कि मून्स मेटल किसका एलॉय है, तो याद रखिएगा मून्स मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर विद 60% कॉपर एंड 40% जिंक, दैट इज कॉल्ड मून्स मेटल, इसको येलो ब्रास भी कहा जाता है, ठीक है, और इसका काफी यूज होता है हमारी हॉट वर्किंग प्रोसेस में, हॉट वर्किंग प्रोसेस करते हैं इसके ऊपर, और साथ साथ याद रखिएगा वॉल्व्स की फिटिंग में, वॉल्व्स फिटिंग, वॉल्व्स की फिटिंग में, पंप के पार्ट्स में, पंप के पार्ट्स बनाने के लिए, इन सब में इसका यूज होता है, दैट इज कॉल्ड योर मून्स मेटल, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है ना। अभी बच्चों कोई कमेंट सब्जेक्ट के अलावा मत करो, क्योंकि अभी मैं किसी भी चीज का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब तक एक टॉपिक चल रहा है, अभी जो भी डाउट रहेगा ना वो उसी पे रखो जो लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर हम इधर की उधर बातें निकल जाएंगे, लेक्चर का टाइम हो जाएगा 1.5 घंटा, और उसमें कंटेंट होगा मात्र 20-25 मिनट का, तो फिर जब वो लेक्चर कोई दूसरा देखता है जिसकी वो सब प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए वो बोरिंग हो जाता है लेक्चर, तो लेक्चर उतना होना चाहिए कि उस कंटेंट में वही सब चीज़ें हों जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जिसके लिए उसने लेक्चर खोला है किसी भी बच्चे ने, उसके अलावा बाकी फिर इधर उधर की बातें एंड में करो या स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है, तो अभी ध्यान से इन सब चीज़ों को पढ़ते जाओ और नोट करते जाओ, क्लियर है, चलिए ठीक, तो इतनी समझ आई बात। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन आपको बता दी कि हॉट वर्किंग प्रोसेस वॉल फिटिंग या पंप पार्ट्स वगैरह में यूज होता है। अब इसी में हम लोग एक वैरायटी और करते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड, जिसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्ड, मैं बोलूँ थर्ड टाइप ऑफ ब्रास, जिसमें हम लोग क्या करें, समझ लीजिए 69 या 70% मान लीजिए कॉपर ही यूज करूँ, या जनरली 69 का रेशियो भी बना सकते हैं, मतलब 69 और 29 करके भी बना सकते हैं आप, लेकिन जनरली यही आपको देखने को मिलेगा, 70% कॉपर प्लस 29% जिंक, ठीक है, प्लस अब देखो 1% बच गया ना, तो 1% अगर मैं टिन ऐड कर दूं, 1% अगर मैं आपका टिन ऐड कर दूं, दैट इज योर टिन, तो ऐसे में जो एलॉय बन के आता है, याद रखेगा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलॉय फॉर यूज इन मरीन पार्ट्स, मरीन इंजीनियरिंग में मरीन पार्ट्स के लिए काफी यूज होता है इस तरह का एलॉय, फॉर मरीन कंपोनेंट्स, ठीक है, पानी में यूज होने वाले कंपोनेंट जो हैं मरीन कंपोनेंट्स, उसमें इनका काफी यूज होता है इस तरह के, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेवल ब्रास। तो समझ लीजिए नेवी यूज कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेवल ब्रास, इसको इसलिए नेवल ब्रास कहा जाता है इस फॉर्म ऑफ ब्रास को। तो याद रखिएगा बच्चों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एप्लीकेशन मैंने आपको बताई कंपोनेंट्स बनाने के काम तो आता है, ये स्पेशली एप्लीकेशन है मरीन कंपोनेंट्स,
ठीक है, तो दैट्स टाइप ऑफ ब्रास इज कॉल्ड नेवल ब्रास। तो बच्चों ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा और भी है, आप एडमायरेबल ब्रास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट ब्रास की क्वालिटी है जो आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बोला कॉपर का एलॉय जिंक के साथ हम बना रहे हैं, दैट इज 70-30 जब रेशियो लेके चलेंगे तो दैट इज योर कार्ट्रिज ब्रास। जब हम यही रेशियो 60-40 लेके चलेंगे तो हमारा हो जाएगा येलो ब्रास, और जिसको हम लोग मुंड मेटल भी कहते हैं। और यहीं पर हम लोग थर्ड कैटेगरी डालते हैं 70-29 ऑन 1% टिन के साथ, तो ये हमारी नेवल ब्रास कहलाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो इन तीनों में से अगर कभी भी कॉपर एलॉय के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको कंफर्म इनमें से देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छे से इस चीज को नोट करके रखेगा, ठीक है ना। और हाँ, इसमें लिखना चाहो तो एक अभी लिख सकते हो आप, कंडेंसर ट्यूब्स वगैरह भी इससे बनाई जाती हैं, कंडेंसर ट्यूब्स वगैरह भी इससे बनाई जाती है आपकी नेवल ब्रास से। क्लियर है? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉयज फॉर कॉपर जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? कॉपर के एक आधे अलॉय आप और ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो मैं आपको बताया था, जो इसके मेन अलॉय से हटके हैं, मतलब ब्रास की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ब्रास से थोड़ा सा हटके आते हैं कैटेगरी में, उनको क्या क्या बोलते हैं, आइए मैं उनको भी ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ब्रास वाले बताए सारे। नाउ अब ये समझ लीजिए, अगर आपको ब्रास से बाहर हम बात करें और मैं कॉपर के साथ जिंक के साथ साथ में कुछ और भी ऐड करूं, जैसे कि ठीक है कॉपर के अलॉयज चलेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं 65%, तो मैंने तीन अलॉय बताए वहां पे, चौथा अलॉय अब ये ब्रास से अलग है, ठीक है, या इसको अलग रख लेते हैं हम लोग। तो यहां पे मैं बोलूं अगर मैं 65% कॉपर, 25% जिंक, ठीक है, प्लस कितना बचा 10% ना, प्लस 10% मैं आपका निकिल ले लूं, ठीक है। ये सब भी बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी भी डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं 65% कॉपर, 25% जिंक एंड 10% निकिल अगर मैं लूं, याद रखिएगा ये सब ऐसे ही याद नहीं होंगे आपको, ठीक है ना। आप चाहे मेरी बात करें किसी की बात करें, ये तब तक आपको याद नहीं होंगे जितनी बार आप इसे यूज नहीं करते। अगर मैं भी इसे साल भर में एक आधी बार पढ़ाता हूं इन चीज को, तो कहीं कभी याद नहीं रह सकते आपको, याद तभी रहेंगे जब आप इसे दोहराओगे, ठीक है ना। आप रिपीटेडली कभी भी याद करने की कोशिश करोगे, फिर नहीं समझ में आएगा, फिर देखोगे, फिर याद रखोगे, तो आप अपने आप से समझ लीजिए बार बार ये चीज पूछते रहना, तभी ये बच्चों 100% दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं रिवीजन कर करके इसे बिठा लूंगा दिमाग में, तो बार बार भूलते रहोगे, बार बार रिवीजन करोगे, जब तक आप खुद से, समझ रहे हो ना, वही वाली बात है कि किसी रास्ते में हम जा रहे हैं, ठीक है ना, और किसी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो आपको रास्ता याद नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप खुद लेके जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ है, जब तक आप बार बार पढ़ते रहोगे, याद करते रहोगे, नहीं याद होगा, लेकिन जब आप सिर्फ याद करोगे कि क्या था, नहीं आया, उसके बाद पढ़ोगे, फिर से अपने आप से ही खुद से कभी भी याद करोगे कि यार मुंड मेटल क्या था, याद आ गया, बहुत अच्छी बात है, हमेशा के लिए बैठ गया, नहीं आया, फिर देखो, तभी जाके आपको ये परसेंटेज याद होगी, नहीं तो इसमें इतना कंफ्यूजन होगा, आप कभी भी सही आंसर टिक करने में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर 65% कॉपर, 25% जिंक एंड 10% निकिल अगर मैं यूज करता हूं, तो दैट फॉर्म ऑफ कॉपर एलॉय इज कॉल्ड जर्मन सिल्वर। ये काफी फेमस नाम है और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है, तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, ठीक है। इसको कभी कभी लोग निकिल बेस्ड एलॉय भी बोल देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, दैट इज अ जर्मन सिल्वर। साउंड क्लियर नहीं है, चलिएगा जो है सो है, ठीक है, चलो आगे से चलते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे, तो यहां पे याद रखिएगा जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, तो ये इस तरह का, वही है मेन पैरेंट मेटल हमारा कॉपर है, तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल जब हम मिलाएं कॉम्बिनेशन, अभी हमने सिर्फ कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन देखा, तीन टाइप के ब्रास समझे, नाउ कॉपर जिंक निकिल मिलाया तो हम दैट इज कॉल्ड जर्मन सिल्वर। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जर्मन सिल्वर क्यों, तो याद रखिएगा सिल्वर का मतलब यहाँ सिल्वर से नहीं है, सिल्वर का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके शाइनी सरफेस से है, जो मटेरियल निकल के आता है उसका आउटर सरफेस बहुत शाइनी होता है,
तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जर्मन सिल्वर। तो यहां पे याद रखिएगा यूज्ड इन रिविट्स, रिविट्स में इसका काफी यूज होता है, ठीक है ना, रिविट्स में इसका यूज होता है, स्क्रू फास्टनर्स, स्क्रूज में, स्क्रू बनाने में, फास्टनर्स में, ठीक है ना, तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें इसका काफी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड जर्मन सिल्वर। अब इसी पे मैं एक बनाऊंगा, वो निकिल बेस्ड अलॉय कहलाता है वो भी, ठीक है ना, लेकिन यहां पे नहीं बच्चे इलेक्ट्रिकल का क्लास नहीं है ये, अरे बच्चे आपस में कोई डिस्कशन मत करो। देखो बार बार कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि लाइट कम है, ये कम है, देखो तुम ये पता है कैसी बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं कि तुम किसी के घर में देखो कि अबे तू झोपड़ी में क्यों रह रहा है, जाके अंबानी की तरह बड़े बंगले में रहना, उसके बंगले को जाके देख, तो खुद बताओ कौन नहीं चाहेगा मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, कौन नहीं चाहेगा मेरा ऑडियो अच्छा हो, कौन नहीं चाहेगा कि लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया हो, लेकिन हर एक को नहीं मिल सकता ना, ये उसी को मिलेगा जो पैसा खर्च करेगा, तो पैसा भी तो होना चाहिए उसके हिसाब से। तो इसलिए ये बहुत बेवकूफ़ वाली कमेंट है कि उसको देखो और ऐसा अच्छा हो जाएगा वैसा अच्छा हो जाएगा, तो ये तो वही वाली बात है कि आप सड़क में जाके किसी गरीब को देखें और बोलें कि अबे ढंग के कपड़े पहन के आ, शाहरुख खान की तरह पहन के आ कपड़े, हैं ऐसे कपड़ों में क्यों घूम रहा है, तो बताओ अब उसका क्या जवाब देगा वो बेचारा। तो सेम कंडीशन हमारे साथ भी है, अभी जो इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ यही क्वालिटी दे सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ करें, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने बात करी इसकी, अब यहाँ पे मैं दूसरी चीज आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पे हम लोग निकिल का परसेंटेज बहुत बढ़ा देते हैं तो एक हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे आता है, अगर सोचिए मैं निकिल का परसेंटेज 55% कॉपर कर देता हूँ और 45% निकिल कर देता हूँ, याद रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पेपरों में अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, तो इस तरह के मेटल को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंटन। तो आपने देखा होगा कहीं आप वायर वगैरह का जिक्र करते हैं, फ्यूज वगैरह का जिक्र करते हैं, फ्यूज की क्लिप्स हो गई, तो उनमें इस कॉन्स्टेंटन वर्ड का काफी यूज होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटन जो मटेरियल है उसकी खास बात क्या है कि वो टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ अफेक्टेड नहीं होता है, इट इज अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, क्लियर है, समझ आई बच्चों बात, ठीक है ना, तो बड़ी बेसिक सी चीज है, तो याद रखिएगा ये आपसे कभी भी पूछे तो इसलिए फ्यूज की क्लिप्स बनाने के, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में खासकर फ्यूज की क्लिप्स बनाने के जहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसमें ये टर्म आपको सुनाई देगी कॉन्स्टेंटन एलिमेंट। तो याद रखिए कॉन्स्टेंटन किसका अलॉय है, ये कॉपर में 55% कॉपर में 45% निकिल जब ऐड करते हैं तो तब ये हमारा, ठीक है, अभी मैंने बताया था सिलेबस को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ठीक है, तो तब हमारा यूज होता है। तो याद रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रिकल आपने देखा भी होगा, बल्कि आप लोगों ने यूज किए होंगे जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह में फिजिक्स के व्हीटस्टोन ब्रिज होता था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी इसी का यूज होता है, कॉन्स्टेंटन एलिमेंट लगा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, या थर्मोकपल्स में, थर्मोकपल्स में। तो ये सब बच्चों कॉपर पे बेस अलॉय होंगे, तो कॉपर और निकल का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया एक कॉन्स्टेंटन, क्योंकि जनरली याद नहीं रहता मेन मेन अलॉय में ये, तो अभी साथ साथ दिमाग में है तो बता दी आपको ये चीज, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग, अब हमने कॉपर जिंक के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, नाउ इट्स टाइम टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने ब्रास की बात करी तो हमने समझ लो तीन कैटेगरी पढ़ ली है बच्चों, ध्यान से याद रखिएगा पीछे का सारा, क्योंकि इसके लेक्चर के तुरंत होने के बाद मैं आपका एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी कराऊंगा जहां पे सारे इजी अलॉयज के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से आंसर करने के लिए आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान रखनी है। क्या कि मैंने यहां पे ब्रास के अलॉय लिए हैं, तो ब्रास मैंने कैटेगरी तीन अलॉय डिस्कस किए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, तीन अलॉय डिस्कस किए ताकि याद हो जाए आपको, ठीक,
उसके बाद हमने बात करी हमारे जर्मन सिल्वर की, जहां पे हमने कॉपर और जिंक के साथ निकिल ऐड कर दिया 10%, और उसके बाद मैंने बात करी कॉन्स्टेंटन की, जहां पे मैंने कॉपर के साथ सिर्फ निकिल लिया है, दैट इज प्योर कॉन्स्टेंटन। नाउ अब मैं आगे बात करता हूं बच्चों एक इंपॉर्टेंट मेटल की, दैट इज कॉल्ड ब्रोंज, जिसको हम ब्रोंज बोलते हैं। अब ये ब्रोंज मेडल वगैरह, ब्रोंज मेडल आपने काफी सुना होगा, और तो ब्रोंज किसका आपका एलिमेंट हो जाता है, तो याद रखेगा इट इज कॉपर, कॉपर अलॉय है ये भी, कॉपर प्लस टिन, ठीक है, कॉपर और टिन का अलॉय हो जाता है हमारा ब्रोंज। तो कॉपर में जब हम टिन ऐड करते हैं, तो बेसिक ब्रोंज की बात करें तो फिर यहां पे भी आप वही कैटेगरी बना सकते हो कि 70% कॉपर एंड 30% टिन को अगर हम मिलाएं तो ये हमारा एक ब्रोंज कहलाता है, सिंपल एलिमेंट। लेकिन अब यहां पे भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, यहां पे भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं सिंपली। जैसे आप लोगों ने फेमसली सुना होगा, चलो मैं पहले परसेंटेज बताता हूं उसके बाद बात करते हैं। जैसे 88% कॉपर 10% टिन, 88% कॉपर 10% टिन, बचा कितना 2% में साथ में जिंक ले लूं। तो बच्चों ये बड़ा फेमस मेटल है जो आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया होगा ऑलरेडी, बताइए कोई आंसर कर सकता है क्या, बताइएगा कोई आंसर कर सकता है क्या, ये कॉम्पोजिशन जो मैंने लिखी है ये क्या हो सकता है, बहुत फेमस है, बहुत बार पेपर में आया है ये, 88% कॉपर 10% टिन एंड 2% जिंक। नहीं, ब्रास की तो हो गया सब कुछ कंप्लीट, ब्रास कहां से हो जाएगा, ये ब्रोंज का ही कैटेगरी है, बिल्कुल सही, दैट इज योर गन मेटल, और बहुत बार ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज योर गन मेटल, ठीक है। इनके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हमने कार्ट्रिज ब्रास बोला, गन मेटल बोला, ये सब इसके इवोल्यूशन के नाम है, मतलब जिस टाइम बनाया गया ना, ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड वॉर वगैरह के टाइम पे बहुत सारी इन्वेंशन भी हुई हैं चीजों को लेके, मेटल्स की कैटेगरी को लेके, तो उस टाइम पे मतलब वेपन्स में काफी ज्यादा यूज होता था मेटल्स का, एलॉयज का, तो ऐसे में उनके नाम सबसे ज्यादा, भले आज हम उन्हें यूज ना करें, आज हम उससे बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से उनके नाम उस हिसाब से भी पड़े हैं, कईयों के गन मेटल, किसी का कार्ट्रिज, तो ये याद रखिएगा, उस मेटल को लेके आप कंफ्यूज मत होना, उनके और भी एप्लीकेशन आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दैट इज योर गन मेटल, 88% कॉपर 10% जिंक, ठीक है। तो ये ब्रोंज हमेशा याद रखिएगा, ब्रोंज इज ऑलवेज हार्डर देन ब्रास, ब्रोंज जो है वो ब्रास से ज्यादा हार्ड होता है। और तो यहां पे हमने इसकी पहली कैटेगरी पढ़ी गन मेटल, जिसमें 88% कॉपर 10% टिन एंड 2% जिंक हमने लिया, जो काफी ज्यादा वाटर फिटिंग्स में यूज होता है, वाटर फिटिंग्स में यूज होता है हमारा, और मरीन कंपोनेंट्स इसके भी बनाए जाते हैं, ठीक है, मरीन कंपोनेंट्स में भी जो है इसका बराबर यूज होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, दैट इज योर गन मेटल, ठीक है। अब ब्रोंज में ज्यादा कैटेगरी तो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। ब्रोंज में बच्चों मैंने जनरल ब्रोंज बता रहा हूं, तो जनरल ब्रोंज में आप याद रख सकते हो 70% कॉपर एंड 30% टिन, ठीक है। एक जनरल ब्रोंज एलिमेंट जब हम बनाते हैं तो वो इस रेशियो में आप बना सकते हो, लेकिन जब हम रेशियो इस तरह से ले रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है गन मेटल। और एक कैटेगरी आप और याद रख सकते हो जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है ब्रोंज में, जिसको हम बोलते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ ब्रोंज, दैट इज कॉल्ड फॉस्फर ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी ध्यान रखिएगा, फॉस्फर ब्रोंज। फॉस्फर ब्रोंज में क्या है ये समझ लीजिए, लगभग 94.8% कॉपर, ठीक है, और 5% हमारा टिन, 5% टिन हम लोग यूज करते हैं, और 0.2% ये याद रखिएगा, फॉस्फर ब्रोंज जो है उसमें लास्ट 0.2% बचा, 0.2% फॉस्फरस, 0.2% फॉस्फरस यूज होता है। तो ये कंपोजिशंस है फॉस्फर ब्रोंज की, तो ये भी काफी बार हो सकता है आ जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मेटल होता है, तो याद रखिएगा यहां पे 0.2% फॉस्फोरस,
ठीक है बच्चों, मैं फालतू का चार्ट वगैरह नहीं दे रहा हूँ आपको कि बहुत भीड़ हो जाए आपको याद करने के लिए, ये वो बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो समझ लीजिए 10 में से 8 पेपरों में सेम यही आएंगे, 8 से 9 पेपरों में यही पूछा जाएगा आपको इन्हीं में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन सब की बात करते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा 0.2% फॉस्फरस हम लोग यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर फॉस्फर ब्रोंज, और ये काफी ज्यादा यूज होता है आपके, आपने देखा होगा जैसे, ठीक है ना, आपने देखा होगा जैसे इसको फॉस्फर ब्रोंज आपका बात करें तो फ्यूज क्लिप्स में यूज होता है इसका, स्प्रिंग बनाने में यूज होता है इसका, स्प्रिंग्स में वेल्डिंग रॉड बनाने में यूज होता है इसका, ठीक है ना, ये सब फॉस्फर ब्रोंज के ही पार्ट एप्लीकेशन हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लियर है, समझ आ रही है बात, तो ये सब एप्लीकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एप्लीकेशन बड़े कॉमन से रहते हैं सभी के, तो मैंने आपको कोशिश करी है थोड़ा सा डिफरेंट एप्लीकेशन भी देने की जो थोड़ा एक दूसरे से अलग रहे ताकि याद करना आसान रहे। तो याद रखिएगा स्प्रिंग्स, फ्यूज क्लिप्स, वेल्डिंग रॉड, और एक आधा एप्लीकेशन अगर आप और लिख सकें इसमें फॉस्फर ब्रोंज का यूज, हाँ क्लच प्लेट्स भी फॉस्फर ब्रोंज की बनाई जाती है, क्लच प्लेट्स भी आप लिख सकते हैं, क्लच प्लेट्स, इट इज ऑल्सो ऑफ फॉस्फर ब्रोंज। तो बच्चों ये देखिए आपने, ये सारे थे हमारे कॉपर के इंपॉर्टेंट अलॉयज जो मैंने आपसे डिस्कस किए, तो इनको बहुत अच्छे से आपको सारे याद रखने हैं, ये क्लियर है, समझ गए आप, मैं दोबारा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, अब मेरे साथ साथ आप भी अपने आप दोहराते रहिएगा, क्या बोला हमने कॉपर बेस्ड अलॉयज, तो हमने बोला कॉपर एक बहुत ही मैलेबल और डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, जिसकी हाईली थर्मल कंडक्टिविटी और हाईली आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो अगर हम इस कॉपर की बात करें तो कॉपर में हमने पहले जिंक को मिक्स किया, तो जब मैंने कॉपर को 70% कॉपर 30% जिंक मिक्स किया तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया आपका कार्ट्रिज ब्रास, ठीक है। जब हमने उसके बाद 60% कॉपर 40% जिंक यूज किया तो हमने बनाया आपका येलो ब्रास, जिसको हमने मुंड्स मेटल बोला, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बात करी, जब हमने इसमें निकिल ऐड कर दिया तो हमने बोला नेवल ब्रास, जो आपको याद रखना है बच्चों बड़े, वो अच्छे से क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ ऑफलाइन कोर्स से पहले निपट जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन लो, ऑफलाइन कोर्स हमारा मई में स्टार्ट है, फ्रॉम द 1st of May, और मैंने आपको बोल दिया टेक्निकल सिलेबस, अभी देखिए ना आप हाइड्रोलिक्स में लेक्चर्स बिल्कुल रेडी हैं, वो आपको फटाफट मिल जाएंगे विद इन अ वीक, और मैकेनिक्स लगभग खत्म हो गई है, एक टॉपिक बचा है डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल, वो आपको मैं करा दूंगा अभी, और मटेरियल साइंस आपकी खत्म हो चुकी है, ये समझ लीजिए एक लेक्चर और लगेगा, मटेरियल साइंस आपकी खत्म हो जाएगी। तो बस, और ये सोम वोम ये तो मान ले, मतलब आपको लगेगा कि टफ है, कुछ नहीं है टफ, बाएं हाथ का काम है, फटाफट फटाफट निपट जाएगी पूरी सोम वीक से पहले पहले सब कुछ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट्स पहले हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, सोम वोम का कंटेंट बड़ा फिक्स है, अब मैं गारंटी के बता दूंगा कि ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है, तो सोम वोम, सोम हो गया आपका, टोम हो गया, इनका कंटेंट बड़ा फिक्स है, टोम तो खैर आनी नहीं है, तो सोम हो गया चाहे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इनका कंटेंट बड़ा फिक्स है, तो इनको करने में टाइम लगेगा, इनको हो सकता है मैं 6-6 घंटे के क्लास भी ले लूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मटेरियल साइंस प्रोडक्शन, इनमें क्या है कंटेंट जुटाना पड़ता है कि कितना करना सही है, क्योंकि करने को बहुत कुछ है, तो इसीलिए इस लेक्चर्स को प्रॉपर 1-1 घंटे के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है कि भाई इतना देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई मैं बोलूँ अलॉयज बोलो तो अलॉयज की तो झड़ी लगी हुई है, आप 3-3 घंटे पे अलॉयज पढ़ते रहे तब भी काम है, तो इसीलिए इसमें क्वालिटी कंटेंट निकालने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आपको सोम पढ़ाएंगे या फिर थर्मल पढ़ाएंगे तो फिर देखिएगा आप 2-2 घंटे पता भी नहीं चलेंगे पूरे पूरे लेक्चर में कितना कितना कंटेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा हुआ है कि कितना कंटेंट कहाँ बताना है, उसका तो पूरा परफॉर्मा बैठा हुआ है ना दिमाग में, कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा, मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ। आज क्या है आपकी समझ लीजिए 5th of February है ना, तो मार्च मतलब 1st of April, चलो 1st of April बोलूँगा तो तुम कहोगे अप्रैल फूल बना रहे हैं, मैं बोल देता हूँ 30th of March योर RRBJEE टेक्निकल मैकेनिकल सिलेबस I will get completed। ये 30 मार्च तक आपका RRBJEE का मैकेनिकल का सिलेबस टेक्निकल मैं ख़त्म कर दूंगा, ये आप वर्ड्स दे लीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद अब सिलेबस की टेंशन मत दीजिएगा मुझे बार बार, ठीक है ना, कि सर सिलेबस कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि दिमाग पलट गया तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
तो अब आराम से बस एंजॉय करते रहिएगा कॉन्सेप्ट्स को, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आपका 30 मार्च तक मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल इसकी अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई? मैं मैकेनिकल का कंप्लीट कर दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का जब इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी तब सर से पूछेगा कैसे कंप्लीट होगा, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है? समझ आ गई बात? तो बस अब टेंशन फ्री होके सिर्फ एंजॉय करिए, पढ़िए कंसेप्ट को। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया, हाँ, नेवल ब्रास में बता रहा था आपको, तीसरा ब्रास का कंपोनेंट बता रहा था, तो मैंने कहा था उसमें 1% आपका जो टिन है वो ऐड कर देंगे हम लोग निकिल और जिंक में आपके, तो बस वहाँ से आपको नेवल ब्रास भी मिल जाएगा। तो तीन ये पढ़े हमने, उसके बाद हमने पढ़ा जर्मन सिल्वर और एक कॉन्स्टेंटन, ठीक है? और उसके बाद पढ़ा हमने ब्रोंज, जिसके हमने दो पढ़े, गन मेटल और फॉस्फर ब्रोंज। तो बच्चों बस ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलें हम लोग, तो अगला अब यहाँ पे हमारे पास आता है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज योर निकिल बेस्ड अलॉयज, ठीक है? निकिल बेस्ड अलॉय में वैसे तो सिर्फ एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है, सालों से पूछा गया है, ठीक है? ये समझ लीजिए पिछले 10-15 सालों से पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है, दैट इज योर निकिल बेस्ड अलॉय, तो वो भी एक ही है, ठीक है? आइए उसको भी लिख लेते हैं। तो ये कॉपर के टोटल याद रखिएगा आप बहुत अच्छे से, ठीक है? अभी हमने सिर्फ कॉपर को कंप्लीट किया है, तो ये कॉपर के आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं निकिल की, ठीक है? ठीक, जब मैं बात करता हूं बच्चों निकिल की, तो निकिल किस तरह का एक फेरोमैग्नेटिक मेटल है, ठीक है? नॉन फेरस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है निकिल, हमारा नॉन फेरस मटेरियल है हमारा, ठीक है? जो लगभग सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर व्हाइट कलर का अपीयरेंस में दिखता है हमें निकिल हमारा। स्ट्रेंथ इसकी काफी हाई स्ट्रेंथ होती है निकिल की, ठीक है ना? काफी ज्यादा यूज होता है हमारे कहीं पर भी इसकी लेयर वगैरह चढ़ाने में, मतलब जैसे क्लैडिंग करते हैं ना, क्लैडिंग आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे हम लोग एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाई जाती है, तो निकिल बेस्ड क्लैडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, निकिल बेस्ड क्लैडिंग भी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, दैट इज कॉल्ड निकिल बेस्ड क्लैडिंग इज ऑल्सो डन। तो निकिल जो है वो क्लैडिंग पर्पज के लिए भी काम आता है हमारे, ठीक है ना? इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के लिए में भी काफी यूज होता है निकिल, इट कैन बी यूज एज कैथोड एंड एनोड, ठीक है ना? और मैंने आपको बोला इट हैज हाई स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड, जिसमें हम निकिल चढ़ाते हैं, तो जैसे हम क्लैडिंग कर रहे हैं ना, तो क्लैडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है? जैसे हमने कल भी देखा था कि फेरस मेटल्स में जब हम निकिल मिला रहे थे तो उससे हमें क्या मिल रहा था, उसकी वियर रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, कोरोसिव रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, है ना? तो यहाँ पे याद रखिए उसकी स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन जो प्रॉपर्टी है, जंग अवरोधक जो क्षमता है वो भी इंक्रीज करती है। तो ये निकिल हमारा काफी इंपॉर्टेंट मेटल हो जाता है ऐसे में। तो अगर अब इसकी बात करें बच्चों हम लोग, ठीक है ना, इसकी अगर हम बात करें कि हमारा एलॉय मटेरियल इसमें क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा बच्चों एक ही मेटल है जो सालों से पूछा जाता है, तो अगर आपको वो याद है तो फटाफट उसका नाम लिख दीजिए, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि देयर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन, कई बच्चों को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें पता है। तो क्या है बच्चों नाम बताइए, है कोई एक आधा भी जो नाम बता दे? निकिल बेस सबसे इंपॉर्टेंट अलॉय कौन सा होता है? बहुत बार पेपर में आया बच्चों, कोई भी एक। चलो, लिखने की कोशिश अच्छी थी लेकिन स्पेलिंग सही नहीं है, बहुत अच्छा है, दैट इज योर मोनल मेटल। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसे, ये भी पेपर में पता नहीं कितनी बार आपके पास पूछा जाएगा कि मोनल मेटल जो है वो किसका अलॉय है, तो याद रखिएगा निकिल बेस्ड अलॉय है, निकिल बेस्ड एलॉय है हमारा मोनल मेटल, ठीक है? तो मोनल मेटल की कंपोजिशन हमारी क्या होती है, ठीक है ना?
नहीं, नाइक्रोम नहीं, मोनल मेटल, ठीक है, नाइक्रोम एक अलग है, वो जरूरत नहीं है करने की, मोनल मेटल, दैट इज योर 68% निकिल एंड 29% कॉपर, 29% कॉपर, और जो 3% बचेगा ना, ये समझ लीजिए, 3% बचेगा, वो 3% होगा सिलिकन मैग्नीज इनका मिक्सअप, ठीक है, सिलिकन बोलो, मैग्नीज बोलो, कार्बन बोलो, इनका मिक्सचर जो होगा वो 3% के अंदर आएंगे सारे, जो अलग कंपोजिशन होगी 3% के अंदर, तो ये है मोनल मेटल। तो देखो सबसे कॉमन क्वेश्चन तो हमारे पास परसेंटेज कम पूछी जाती है, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि कौन किसका एलॉय है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, इसीलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ कि हमने पढ़े कॉपर, अब कॉपर के बाद हमने पढ़ा निकिल, ठीक है, तो इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वही सबसे कॉमन क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है, समझ आए बच्चों बात, ठीक है, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोनल मेटल्स। मोनल मेटल का यूज उन सब जगहों में होता है जहां पे कोई भी इक्विपमेंट ऐसा होता है जो पानी के कांटेक्ट में चलता है, ठीक है, तो पानी के कांटेक्ट में चलता है तो कोरोजन का डर बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग मोनल मेटल का यूज करते हैं, जैसे हमारा इवेपोरेटर ट्यूब, इवेपोरेटर्स हो गया, पंप्स हो गए, ठीक है ना, इवेपोरेटर्स हो गए, पंप हो गए, पंप का समझ लीजिए मेनली, जैसे हमारा कोई लिक्विड ऐसा है जिससे जंग लगने का सबसे ज़्यादा खतरा है, तो ऐसे में हम लोग यूज़ करते हैं पंप का जो इम्पेलर होता है उसको मोनल मेटल का बना सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कोरोजन का खतरा बहुत ज़्यादा है किसी लिक्विड में, तो उसमें हम इम्पेलर, जो पंप का इम्पेलर है वो मोनल मेटल का यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज ओनली इम्पॉर्टेंट निकिल बेस्ड अलॉय, ठीक है, बाकी फालतू आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट निकिल बेस्ड एलॉय, इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों बहुत अच्छे से, क्लियर है। इसके बाद मैं आप बात करता हूँ टिन एलॉय की, टिन एलॉय की, तो देखिए अब टिन बेस्ड एलॉय की बात करें तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा टिन हमेशा लेड के साथ ऑप्शन में चलेगा, टिन बेस्ड एलॉय हमेशा लेड के साथ ऑप्शन में चलेगा, कैसे, तो यहाँ पे वैसे तो इम्पोर्टेंट एक ही एलॉय है आपके पास, टिन अलॉयज की बात करें तो टिन बेस्ड अलॉय की अगर बात करें तो एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज योर बेबिट मटेरियल। अब इससे भी क्वेश्चन बनता है बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेबिट मटेरियल, पहला क्वेश्चन सिंपल बनेगा जो सबसे ज्यादा पेपर में आया है कि बेबिट मटेरियल का एप्लीकेशन क्या है, तो याद रखिएगा बेबिट मटेरियल यूज्ड इन बियरिंग्स, बियरिंग्स बनाए जाते हैं बेबिट मटेरियल के, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि देखिए बेयरिंग्स के लिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसके अंदर टेम्परेचर या स्लाइडिंग सरफेस, जहां हमारे एप्लीकेशन होती है उन स्लाइडिंग सरफेस को झेलने की क्षमता, स्लाइडिंग सरफेस समझते हैं ना, कि जब भी कोई बेयरिंग होगा तो उसमें स्लाइडिंग वगैरह ज्यादा होती है, तो हमें कोई ऐसे मटेरियल चाहिए होते हैं जिनके ऊपर स्लाइडिंग आराम से इजिली स्मूथली हो सकती है, जो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर को राइज नहीं करेंगे, तो ऐसे मटेरियल्स हम लोगों के आते हैं जैसे लाइक बेबिट मटेरियल, ठीक है, तो स्लाइडिंग हमारी एक अपने आप में एक समझ लीजिए, जब आप बियरिंग पढ़ते हैं ना तो बियरिंग में स्लाइडिंग सरफेस को पढ़ना अपने आप में एक स्टडी है, तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपके व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्लाइडिंग सरफेसेस, स्लाइडिंग सरफेस की स्टडी करने को क्या बोलते हैं बच्चों, कोई नाम बता सकता है स्लाइडिंग सरफेस की, मतलब एक तरह से बियरिंग वगैरह सब उसी के अंदर आते हैं, स्लाइडिंग सरफेस की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, बताइए नाम बताइए बच्चों, कौन सी लॉजी कहलाती है, बताइए मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, बताइए स्लाइडिंग सरफेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, कोई भी एक बच्चा नाम बता दे तो मजा आ जाए, स्टडी ऑफ स्लाइडिंग सरफेसेस, देखो इधर उधर देखना मत, पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां तो सीखने के लिए बैठे हैं ना, तो याद रखिएगा, ठीक है, चलो कोई कमेंट नहीं आया तो इसका मतलब हमें पता नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइबोलॉजी, याद रखिएगा बच्चों, ट्राइबोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ स्लाइडिंग सर्फेसेस, तो ट्राइबोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उन सब इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जहां जिनके बीच में स्लाइडिंग होती है, तो हमेशा याद रखिएगा स्टडी ऑफ स्लाइडिंग सर्फेस इज कॉल्ड ट्राइबोलॉजी, तो बियरिंग्स वगैरह सब ट्राइबोलॉजी के अंदर ही आते हैं, जब आप ट्राइबोलॉजी की स्टडी करते हो, क्लच बियरिंग, ठीक है ना, जहां पे भी स्लाइडिंग होती है, रबिंग होती है दो सरफेस के बीच में, उन सब के अंदर ही आता है ट्राइबोलॉजी, तो याद रखिएगा ये वर्ड ट्राइबोलॉजी।
क्लियर। तो हम क्या बोल रहे थे, तो हमें ऐसे मटेरियल की तलाश होती है जिनमें बहुत अच्छी स्लाइडिंग हो सकती है। तो इस तरह के मटेरियल हमारे कहलाते हैं बच्चों बेबिट मटेरियल या बेबिट मेटल्स। तो बेबिट मेटल दो तरह के मेनली हमारे पास होते हैं। बेबिट मेटल्स की बात करें तो याद रखिएगा, बेबिट मेटल्स हमारे पास दो तरह के मेनली होते हैं, एक लेड बेस्ड और एक होते हैं टिन बेस्ड। ठीक है, लेड बेस्ड और टिन बेस्ड, इसमें लेड का कंटेंट ज्यादा रहता है, इसमें टिन का कंटेंट ज्यादा रहता है। तो लेड और टिन बेस्ड होते हैं, कंपोजिशन में आपकी बता देता हूं। ठीक है ना, यहां पे हम अगर बात करें लेड बेस्ड की तो 84% लेड यूज होता है। ठीक है, ये परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, 84% आपका लेड यूज होता है, 6% टिन, 6% टिन, ठीक है, 9.5% आपका आई थिंक ये यूज होना चाहिए एंटीमोनी। ठीक है, एंटीमोनी और कितना बचा, 0.5% ना, और 0.5% होता है कॉपर। तो ये होता है बच्चों हमारा लेड बेस्ड बेबिट मेटल। तो लेड बेस्ड जो लेड पे डिपेंड होगा बेबिट मेटल, उसकी कंपोजिशन ये होती है हमारी। क्लियर है, ठीक है ना। और जो टिन बेस्ड होता है उसमें हमारा 90% होता है टिन, 90% जो है हमारा वो टिन होता है, 4.5% हमारा क्रोमियम होता है, 4.5% क्रोमियम होता है। ठीक है, समझ आई बात। और 5% एंटीमोनी और बचा 0.5% वो हमारा टिन होता है। ठीक है, 0.5% हमारा टिन होता है। तो ये है हमारी बेबिट मेटल की कंपोजिशन। ठीक है, बेबिट मेटल काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज तक क्वेश्चन यही आया है कि इसका एप्लीकेशन क्या है बेबिट मेटल, या बियरिंग में कौन सा मेटल यूज होता है, तब आपको टिक करना होगा बेबिट मेटल। ठीक है, लेकिन अगर आ जाए कि किस किस पे बेस्ड होते हैं, तो याद रखिए लेड बेस्ड भी होता है, टिन बेस्ड भी होता है। टिन बेस्ड ये है जिसमें 90% टिन होता है, लेड बेस्ड ये जिसमें 84% लेड होता है। तो ये आपको याद रखने होंगे बच्चों, बेबिट मेटल के ऊपर हमें काफी बार पूछा जाता है। क्लियर है, समझ आई बच्चों बात। ऐसे ही आपको एक और मैं टिन का यूज बता देता हूं, यही टिन और लेड का, जो आपका बहुत बार देखने को मिलता है, दैट इज सोल्डर। सोल्डर आपको पता है, सोल्डरिंग प्रोसेस हम लोग लेते हैं, सोल्डर काफी यूज होता है उसमें। तो वो सोल्डर भी आपको लेड और टिन दोनों बेस होता है, लेड और टिन दोनों बेस होता है आपका सोल्डर। तो उसमें भी याद रखिएगा बच्चों, कई तीन वैरायटी आती है, एक 50-50 की आती है जिसमें 50 लेड और 50 टिन होता है, एक 60-40 भी आती है जिसमें 60 टिन और 40 लेड होता है, और एक 67 और 33 भी आती है। ठीक है, जिसमें 67 आपका टिन और 33% आपका लेड होता है। तो ये तीन वैरायटी ऑफ सोल्डर भी आते हैं। ठीक है, दीज आर टाइप्स ऑफ सोल्डर। तो ये काफी कॉमन रहा है सोल्डर के ऊपर भी क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, ये लेड और टिन बेस अलॉय समझ लीजिए आप, दोनों टाइप के मैंने यहाँ पे एक साथ बता दिए। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी याद रखने हैं। ठीक है, इसकी भी कंपोजिशन पूछी गई थी एक बार, लेड और टिन में सोल्डर की कंपोजिशन क्या होती है। तो याद रखिए मैंने यहाँ पे आपको तीन वैरायटी बताई है। ठीक है ना, तीनों वैरायटी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, 50, 60, 40, 33, 67। बस याद रखिएगा टिन को मेजर रखना है आपको, टिन को जो है वो बड़ा रखना है, तो आराम से याद हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ आ गई इतनी बात। ठीक है ना, चलें आगे। तो अब यहाँ पे लास्ट हमारे पास बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट अलॉय लास्ट बचता है। ठीक है, हमने ब्रास ले लिया, ठीक है, कॉपर ले लिया, कॉपर में हमने ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, कॉन्स्टेंटन ले लिया, निकिल बेस ले लिया, टिन अलॉय ले लिया। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल आ जाएगा हमारे पास, वो है एल्यूमिनियम। ठीक है ना, वो है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में भी काफी इंपॉर्टेंट अलॉय हैं जो आपसे पूछा जाता है। वैसे जनरली तीन अलॉय होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उसमें भी एक दो हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए उस एल्यूमिनियम को भी कवर करते हैं। अब एल्यूमिनियम आप सभी को पता होगा किससे निकल के बनता है बच्चों, बॉक्साइट से निकल के बनता है ना। चलो अभी बात करते हैं इसकी भी। तो बस समझ लीजिए ये हमारा लास्ट अलॉय रहेगा जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, देखिए लास्ट अलॉय यहां पे आती है एल्यूमिनियम की बात। अब एल्यूमिनियम की कुछ खास बातें क्या है, एल्यूमिनियम की मैं कुछ खास बातें बताऊं तो एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कहां से मिलता है हमें, फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका ओर होता है, इस बॉक्साइट ओर से हम लोग एल्यूमिनियम को निकालते हैं, है ना, फ्रॉम बॉक्साइट ओर। इसकी जो खास बात होती है वो होती है गुड एफिनिटी टू ऑक्सीजन, गुड एफिनिटी टू ऑक्सीजन। अब आप कह सकते हैं सर ये क्या है, तो अभी बताता हूं मैं ये क्या है, गुड एफिनिटी टू ऑक्सीजन। ठीक है, अभी बताता हूं इस पॉइंट को कि गुड एफिनिटी टू ऑक्सीजन मतलब क्या है। यहां पे मतलब है ऑक्साइड फॉर्मेशन से, ठीक है, अभी उस पर आते हैं वापस। दूसरी बात, ये सबसे खास बात है लाइट वेट, लाइट वेट होता है, मतलब अगर हम खासकर कंपेयर करें स्टील से तो स्ट्रेंथ हमें इसके जो अलॉयज होंगे वो हमें स्ट्रेंथ तो देंगे बिल्कुल स्टील वाली, लेकिन लाइट वेट, और इसी लाइट वेट के वजह से ये बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह सब में यूज होता है। समझ आ रही बात, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह में काफी यूज होता है ये फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम। अब उसकी कौन सी फॉर्म यूज होती है उसकी भी अभी हम बात करेंगे, क्लियर है। तो ये इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं लाइट वेट मतलब रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज 1/3 ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील के 1/3 होती है इसकी रिलेटिव डेंसिटी लगभग, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन हमारी एरो इंडस्ट्रीज। तो यस, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन एरो इंडस्ट्री, एरो इंडस्ट्री में यूज होता है काफी ज्यादा, क्योंकि वहां तो लाइट मेटल चाहिए, तो इस पे हम और जाके अलॉयज बना के इसको और लाइट कर सकते हैं, जो कि हम अपने एल्युमिनियम की स्टडी में पढ़ते हैं, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई सबके, ठीक है ना, ठीक। तो यहां पे हम सिंपल इसकी, और बाकी आपको पता ही है कोरोजन रेजिस्टेंस तो ये है ही, ठीक है ना, हाई कोरोजन रेजिस्टेंट है ना, हाई हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट है, ये प्रॉपर्टी तो इसकी है ही, कोरोजन का कोई खतरा नहीं है। दूसरी, आप इसको भी जो मैं कह रहा था ना गुड एफिनिटी ऑक्सीजन, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो इट इज अ डीऑक्सीडाइजर, ये डीऑक्सीडाइजर है, मतलब किसी से भी ऑक्साइड को रिमूव कर देता है, डीऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन जो कंपोजिशन है किसी मेटल के साथ जो बन रही है उसमें से ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर दे रहा है, कर देता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे परसेंटेज मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो एलॉयज हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे परसेंटेज की बात नहीं करें, जैसे फर्स्ट एलॉय आपको पता है ड्यूरेल्यूमिन, ड्यूरेल्यूमिन, अब देखो नाम से ये आते नहीं है कभी, वो ऐसे नहीं पूछेगा कि ये किसका एलॉय है, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके नाम ऐसे हैं कि नाम से ही पता है कि एल्युमिनियम का एलॉय है, ठीक है ना। तो यहां पे कभी ऐसे नहीं आएगा कि ड्यूरेल्यूमिन, इसीलिए एल्युमिनियम ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि ड्यूरेल्यूमिन किसका एलॉय है, आप सबको पता है एल्युमिनियम का एलॉय है, तो कोई नहीं पूछेगा ड्यूरेल्यूमिन या हिंडेलियम, हिंडेलियम बहुत बार पेपर में आता है, या मैग्नीलियम, मैग्नील्यूमिन, ये बहुत बार पेपर में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है ना, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसको ऐसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, क्यों, नाम से ही सब क्लियर है कि ये किसके एलॉय हैं, ड्यूरेल्यूमिन, हिंडेलियम, थर्ड मैंने बोला मैग्नीलियम, ठीक है। अब इन पे फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो देखिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो हिंडेलियम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हिंडेलियम के आप देखते हो बर्तन वगैरह भी बनते हैं, है ना, तो हिंडेलियम के आपके यूटेंसिल्स भी आते हैं, क्यों, क्योंकि हिंडेलियम में खास बात क्या होती है, हिंडेलियम जो एल्युमिनियम का एलॉय होता है इस पे हम लोग मिक्स करते हैं मैग्नीशियम, ये समझ लीजिए मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और स्मॉल कंपोजिशन बाकी कंपोनेंट्स की भी। तो यहां पे जो मैग्नीशियम मिक्स किया जाता है उससे सबसे मेन उस पे जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि इट इज अनअफेक्टेड टू एनी फूड एसिड, मतलब खाने में जो भी एसिड हैं उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है।
तो उससे फायदा क्या होता है कि आप भाई एसिड मतलब आप कुछ खट्टा भी खा रहे हैं, कुछ खट्टा बना रहे हैं, कुछ नमकीन बना रहे हैं, कुछ मीठा बना रहे हैं, तो जो खट्टी चीजें हैं उनमें क्या एसिडिक कैरेक्टर है। तो अगर हम कोई ऐसे मेटल उसके साथ बनाएंगे जिसमें क्या है आपका वो एसिडिक कैरेक्टर से चेंज हो जाता है, रिएक्शन होती है तो जहर बन जाएगा। तो ऐसे में हमें हमेशा बर्तन के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है विच इज नॉट रिएक्टेड या नॉन रिएक्टेड टू फूड एसिड्स। तो ये फूड एसिड्स के साथ हिंडेलियम जो है हमारा वो अनरिएक्टेड रहता है, तो ये चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, क्लियर है। तो हमने क्या बोला, हिंडेलियम हमारा क्या है, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम कह सकते हैं आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अनअफेक्टेड टू फूड एसिड्स, फूड एसिड्स के साथ ये हमेशा अनअफेक्टेड होता है। हिंडेलियम हमारा यहीं का मैन्युफैक्चर्ड है, आपने यूपी में नाम सुना होगा HCAL, ठीक है ना, सुना होगा आपने HACL, HACL है शायद ना, कोई है यूपी का बच्चा यहाँ पे, HACL है कोई, HACL जानता है ना, HACL सुना होगा आपने, तो ये वहीं का प्रोडक्ट है बच्चों, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, हिंडेलियम यहीं का प्रोडक्ट है तो इसीलिए इसका नाम हिंडेलियम है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम, ठीक है। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम से ही इसका नाम हिंडेलियम पड़ा हुआ है, ये शायद कईयों को पता भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा HACL जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जहाँ से हम लोग ये हिंडेलियम और जो है पेटेंट है आई थिंक यहाँ का, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये है हमारा हिंडेलियम। बाकी अगर हम बात करें ड्यूरेल्यूमिन की, तो इसलिए याद रखिएगा इसमें हमारे पास ये सब पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग और हार्ड तो होता ही आपका क्रोमियम की वजह से, ये क्रोमियम की वजह से ये स्ट्रांग और हार्ड तो आपका होता ही है, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पे इसकी कंपोजिशन भी थोड़ी सी याद रख सकते हैं, क्लियर है। फर्स्ट मैं बात करता हूँ ड्यूरेल्यूमिन की, तो ड्यूरेल्यूमिन में मैंने आपको कहा एल्युमिनियम जो आपका समझ लीजिए एल्युमिनियम के साथ अगर हम जनरली मिक्स करें, एल्युमिनियम के साथ हम मिक्स करें कॉपर मैग्नीज आयरन, ये जनरली हम लोग सब मिक्स करते हैं, जिसमें 3-3.5% समझ लो कॉपर होता है, ठीक है, परसेंटेज वैसे जरूरत नहीं है, 3-3 मतलब ये तीन चार परसेंट ही है सारी, ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ सारा एल्युमिनियम होता है, ठीक है। तो 3-3.5% कॉपर कह सकते हैं आप, ठीक है, 0.4-0.7% आप लगभग ये समझ लो मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों, ये लगभग हो जाता है 0.4-0.7% के आसपास, और लेस देन 0.7% आपका आयरन हो गया, ठीक है, 0.7% से कम, और बाकी रेस्ट ऑफ जितना भी है वो एल्युमिनियम हो गया। तो उनसे मिलके बनता है ड्यूरेल्यूमिन, ठीक है, उनसे मिलके बनता है हमारा ड्यूरेल्यूमिन, जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है ये, अपने लाइट वेट के कारण स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग और हार्ड जो होता है वो स्टील के तरह ही होता है, लेकिन वेट उसका 1/3 होगा समझो स्टील से, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा मटेरियल हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे किनारे दिखाई दे रहा है, नीचे लिखूं, दिख रहा है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो तो सुन ही रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आई बात, ठीक। तो याद रखिएगा स्ट्रांग है, लाइट होता है हमारा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूरेल्यूमिन, ठीक, बहुत ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। थर्ड मैंने बोला था आपको मैग्नील्यूमिन, ठीक है ना, मैग्नीलियम या मैग्नीलियम जिसे बोलते हैं। तो मैग्नीलियम की बात करें तो सिंपल समझ लीजिए, इसको सबसे सिंपल वे में अगर बताऊं कंपोजिशन इसकी, तो मैग्नीलियम आप मैग्नी से समझ सकते हैं, मैग्नीलियम 90% तो एल्युमिनियम ही हुआ इसमें, ठीक है, 90% एल्युमिनियम हुआ इसमें, और 10% आपका मैग्नीशियम, तो 10% आपका मैग्नीशियम हुआ, तो 90% एल्युमिनियम 10% मैग्नीशियम, और ये काफ़ी यूज होता है जैसे आपके डोर हैंडल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, डोर हैंडल्स बनाए जाते हैं, या आपकी कोई रैक बनाई जाती है,
ठीक है, मतलब कैरी करने वाली रैक जो होती है वो बनाई जाती है, तो उस तरह के इक्विपमेंट्स हमारे मैग्नीलियम से बनाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वही मैंने कहा, दो चीज याद रखिएगा, लाइट वेट के कारण ड्यूरेलियम इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काफी होता है, और अनअफेक्टेड टू फूड एसिड प्रॉपर्टी की वजह से हिंडेलियम जो है हमारा काफी ज्यादा यूटेंसिल्स वगैरह को बनाने में यूज होता है, बर्तन वर्तन बनाने में यूज होता है। तो ये हम लोगों को मेनली याद रखने हैं हमारे एल्यूमिनियम से बनने वाले एलॉयज। समझ आई बच्चों बात? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से कैसे प्रिपेयर होता है ये तो हम पढ़ेंगे मटेरियल एक्सट्रैक्शन में, ठीक है ना। याद रखिए मटेरियल हमेशा, मटेरियल साइंस हमेशा दो भागों में अलग अलग पढ़ी जाती है। एक भाग होता है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी वाला। हमेशा याद रखो मटेरियल साइंस को पढ़ने का ये दो तरीका है। मटेरियल साइंस एक आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड दोनों के बीच में इफेक्ट, जिसमें हीट ट्रीटमेंट वगैरह सब आता है और एलॉयज वगैरह, समझे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी और उन दोनों के बीच में इफेक्ट थ्रू हीट ट्रीटमेंट एंड थ्रू एलॉयज। तो हम पढ़ रहे हैं ये वाली ब्रांच। अब एक आएगा मेटलर्जिकल कैरेक्टर, मतलब मटेरियल में मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी। तो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी मतलब यही सब, एक्सट्रैक्शन, कौन मटेरियल किससे निकाला जाता है। तो इसलिए कभी भी सिलेबस में अगर ये लिखा है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी वो है कि कभी कभी अब पूछने को तो कहीं से ही पूछ सकता है, तो आगे जाके कभी पूछ सकता है, तो उसके लिए यही पता होना चाहिए। जैसे मेनली स्पेशली अगर मैं बताऊँ एक्सट्रैक्शन वाले पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो एक्सट्रैक्शन वाले पोर्शन से क्वेश्चन एक ही चीज़ आती है हमेशा सबसे ज़्यादा, क्यूपोला फर्नेस, ठीक है ना। जो हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्यूपोला फर्नेस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो बस क्यूपोला फर्नेस को आप लोग देख सकते हैं कि कोक, लाइम स्टोन, पिग आयरन ये सब हम मिलाते हैं, क्या क्या होता है, बस उसके ऊपर आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? हे भगवान प्लीज इंप्रूव वॉइस क्वालिटी, वीडियो स्क्रीन, बस अभी इंप्रूव करता हूँ बच्चों, 5 मिनट दो मुझे, ठीक है। जो भी बच्चे स्क्रीन वॉइस क्वालिटी से परेशान हैं वो मुझे 5 मिनट दें, मैं अभी इम्प्रूव कर दूंगा। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा आज जो भी हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये एलॉयज पे बेस्ड हम लोग, ठीक है ना। तो जितना भी मैंने बताया वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके आगे आप किसी के भी लेक्चर से कुछ भी पढ़ें, ठीक है, होंगे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर भी होंगे एलॉयज पे, तो अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं किसी भी लेक्चर से तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखिएगा कि इतना कंटेंट तो एटलीस्ट पढ़ें। कोई भी लेवल के एग्जाम में आप बैठेंगे तो इतने एलॉयज तो आपको मस्ट है पढ़ने, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। आप ये समझ लीजिए मैं अभी ऑब्जेक्टिव सेशन लेने में अभी लगभग 10 मिनट और लगेगा, तो इसके बाद में ऑब्जेक्टिव सेशन आपका लूंगा, तो उससे पहले आप दिमाग में एक बार रिमाइंड कर लें क्या मुंड मेटल क्या था, याद आना चाहिए आपको। जर्मन सिल्वर क्या था, याद आना चाहिए, ठीक है ना। गन मेटल क्या था, याद आना चाहिए, क्योंकि जब एक बार पढ़ लो ना उसके बाद याद करो तो सब मिक्सअप लगता है। तो इसलिए मैंने कहा बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी वाइज आपको बताया मैंने कॉपर, कॉपर में बताया मैंने ब्रास, ब्रास के 3 टाइप आपको बताया मैंने, ब्रोंज, ब्रोंज के 2 टाइप, फॉस्फर ब्रोंज है ना, याद है ना, ब्रोंज के 2 टाइप आपको बताया मैंने, कॉन्स्टेंटन आपको बताया मैंने, आपका जर्मन सिल्वर, ये थे कॉपर। नाउ आपको बताया मैंने निकिल बेस्ड अलॉय जहाँ पे मोनल मेटल आपने पढ़ा, ठीक है। आपको बताया मैंने टिन बेस्ड अलॉय जहाँ पे सोल्डर पढ़े आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, और लेड टिन बेबिट मेटल पढ़ा, ठीक है। आपको बताया मैंने एल्युमिनियम, ठीक है, जहाँ एल्युमिनियम में आपने ये 3 टाइप पढ़े, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसको सेपरेटली पढ़ोगे तो कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा 90% क्वेश्चन ये है कि कौन किसका अलॉय है, 10% क्वेश्चन ये है कि इसकी कंपोजिशन या उसकी कंपोजिशन क्या है। तो क्लियर है बच्चों? तो इतना आपको ध्यान रखना है बस। अब थोड़ी देर में ही शुरू करते हैं 10 मिनट में हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन, तो 10 मिनट आप पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करें और उस ऑब्जेक्टिव सेशन में आप आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं हमारे एलॉयज पे बेस्ड मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने वो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं कि यहाँ पे किस मेटल का कौन सा अलॉय है, किस मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा एलॉयज के बारे में डिस्कशन इस क्वेश्चन में आ जाए। तो चलिए बच्चों लेंगे 10 मिनट का ब्रेक, वापस आइएगा 10 मिनट बाद और स्टार्ट करेंगे लेक्चर को आगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। चलिए नवनीत सर का पढ़ाएंगे बच्चों, नवनीत सर का लेक्चर आपको अभी मिल जाएगा। हाँ आप पूछो जो इधर उधर ब्रांच की मुझे दूसरी बातें पूछ रहे थे वो पूछ लीजिए।
डेली वैसे 2:30 ही लाइव आते हैं बच्चों, लेकिन जैसे आज सीरियल का क्लास नहीं हुआ तो मैंने थोड़ा टाइम अपना इंक्रीज कर दिया और क्लास 1:30-2 से लेनी शुरू कर दी, ठीक है ना। बाकी लाइव हम आते हैं वैसे 2:30 ही, बट नोटिफिकेशन में रहिएगा आप, नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगा आपको पता चल जाएगा। हाँ, ऑफलाइन के रजिस्ट्रेशन के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो बच्चों देखो ऑफलाइन के रजिस्ट्रेशन तो अभी से भी चल रहे हैं वैसे, और ये स्टिल आपके अप्रैल पूरा चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग करा सकते हैं आराम से, अप्रैल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले पढ़िए ऑनलाइन में जितना बेनिफिट होता है, क्योंकि देखो उससे बेनिफिट ही होगा। अगर कुछ बच्चा ऑनलाइन पढ़ने के बाद भी ऑफलाइन भी करेगा तो भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑफलाइन में हमारा मोस्ट प्रिसाइज रहेगा कि शॉर्ट में पूरा पूरा सब्जेक्ट का रिविजन कराया जाए, ठीक है। वहाँ पूरे अपन नोट्स इस तरह से नहीं कराएंगे कि आप सुबह से शाम तक लिख ही रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग फ्रेश रहना चाहिए। तो उसमें हमारी प्लानिंग यही है कि ऑफलाइन जो हम लोग कोर्स लेके चलेंगे स्टेज टू, एक तो बच्चे को क्लियर होगा, वो मोर फोकस होगा, क्योंकि स्टेज वन होपफुली उसका निकल चुका होगा, तो स्टेज टू में बैठने के लिए वो तैयार होगा। तो तब तक रिजल्ट अगर सब आ जाता है तो उसके बाद स्टेज टू के लिए बस बेस्ट है कि जो बच्चा हमारे सामने बैठा है उसको हमने प्रैक्टिस कराना है दिन रात, तो इतना प्रैक्टिस कराना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वो करके चले और उसके बाद वो आराम से निकाल दे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्च में मैं आपका ऑनलाइन कोर्स खत्म कर दूंगा RRBJEE का, ताकि फिर अप्रैल में मैं पूरा ऑफलाइन के लिए पेपर्स वगैरह बना सकूं, ताकि अप्रैल में जब मैं ऑफलाइन के लिए पेपर्स बनाऊंगा तभी मैं मई में बिल्कुल पूरे पेपर्स के सेट के साथ उन बच्चों को 2 महीने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकता हूं और कोर्स कंप्लीट करवा सकता हूं। तो यही हम लोग का प्लानिंग है, इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है उसके बाद कि मैं 1 अप्रैल के बाद आपकी क्लासेस ले सकूं। तो इसलिए मतलब होगा कोई ना कोई क्लास तो चलती रहती है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन RRBJEE मैकेनिकल के लिए 30 मार्च इज द बेस्ट टाइम, 30 मार्च से आप मार्च तक आप लोगों का मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो निश्चिंत होकर अब इस चीज़ को भूल जाइए कि कैसे कंप्लीट होगा क्या होगा, 30 मार्च तक आपका सिलेबस जो है RRBJEE का मैकेनिकल वो मैं कंप्लीट करा दूंगा विद ऑल क्लासेस। चलिए तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अभी 10-15 मिनट में नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपने क्वेश्चन राउंड में। चलिए बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस बच्चों यहीं होती है देहरादून में, देहरादून में हमारा प्लेस है। तो जब आप लोग कोर्स वगैरह के लिए कॉल वॉल करेंगे तो आपको पूरी डिटेल यहां से बताई जाती है, कोई भी बच्चा अगर कॉल करता है तो उसको पूरी डिटेल बाद में बता दी जाती है कि कितने कोर्सेज कैसे कैसे रहेंगे, कहां आपको आना है, कैसे पूरा परफॉर्मर रहेगा, तो फुल डिटेल आपको उस टाइम पर वहाँ पर यहाँ से मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं 10 मिनट में, फिर तो अभी यही लेक्चर नहीं ख़त्म हो पाएगा, तो मैं तब तक अपना सेटअप लगा लूँगा पूरा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। नंबर बच्चों एकेडमी का नंबर जो है आई थिंक वो अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट में, आप इंजीनियरिंग एकेडमी की वेबसाइट को खोलेंगे तो उसमें आपको नंबर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है ना, उसमें से आप कर सकते हैं। बुक की बात करूं तो बुक एज सच इम्पॉर्टेंट बुक कोई बहुत खास बुक कोई नहीं है कि मैं बोलूँ ये बेस्ट बुक है, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि SSC बेस्ड एक अच्छी बुक भी निकाली जाए, तो हम लोग होपफुली इस फेब्रवरी में कोई ना कोई बुक्स वगैरह का मटेरियल को लेके मैं भी आ रहा हूँ, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी एज सच कोई पब्लिकेशन की बुक परफेक्ट नहीं है, आप कुछ भी उठाएं, जो बुक आपको ईजिली मिल रही है उसको आप कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में।